हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग इस क्लास में IGST के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज से पहले मैंने 31st क्लास तक आपको टैली RP9 में एक एक चैप्टर करके हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से बताया। आज का जो क्लास है वो 32 क्लास है। इसमें हम लोग IGST के बारे में डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस लेकर के आपके लिए हम पर डे आते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं टैली RP9 का IGST टॉपिक, जिसमें परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन्स करना सीखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश तरीका से जानने के लिए हम एक कंपनी फ्रेश बना लेते हैं, ABC नाम से। कंट्री इंडिया और स्टेट यहाँ से दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जो हम IGST पे काम करेंगे इसमें परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन होगी। और IGST के बारे में अगर बता दें तो IGST का मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब ये है कि जब हम सेम स्टेट में परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम CGST और SGST चार्ज करते हैं। लेकिन जब स्टेट आपका चेंज हो जाता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको IGST की बिल देनी पड़ती है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई प्रोडक्ट दिल्ली में बनाया और उसे UP में बेचा, या फिर कोई प्रोडक्ट आपने UP में बनाया और उसे दिल्ली में बेचा, तो इसमें जो बिलिंग का काम होगा उसमें IGST लगेगा। तो ये चीज़ जाना आपको 110% जरूरत हो जाती है जब आप बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, कि अगर दूसरे स्टेट को अगर आप माल सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें हम IGST कैसे लगा करके एंट्री करेंगे, या फिर परचेज भी कर रहे हैं तो IGST लगा करके एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपने IGST के बारे में समझा कि IGST इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो हम लोग परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन पे लगाते हैं। और ये जो है इंटर स्टेट अदर स्टेट से ट्रांजेक्शन्स के लिए लगता है, या फिर अगर आप विदेश से भी कोई सामान ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे भी आपको IGST ही चार्ज करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको वर्क करने के लिए यहां से फीचर्स ऑप्शन में जाना है, F11 में। F11 में जाने के बाद टैक्सेशन में जाना है। टैक्सेशन में जाने के बाद आपको GST का ऑप्शन ऊपर ही दिखाई देगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST बोलते हैं। ये GST आपको यस कर लेना है। तो यहाँ से यस करते हुए अगर हम आगे निकलेंगे तो एक और ऑप्शन आपको GST से रिलेटेड मिलेगा, सेट अल्टर्ड GST डिटेल्स। इसमें क्या होता है कि जो GST आप चार्ज कर रहे हैं उसका डिटेल्स आप डालिए। तो इसे हम यस करके चलिए उसका डिटेल्स डाल लेते हैं, जिसमें स्टेट हम दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हम अपना GST का डाल लेते हैं, जो नंबर में मुझे मिला हुआ है GST का। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही रैंडम कुछ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेबल फ्रॉम वो बाय डिफॉल्ट आपका 1 अप्रैल का डेट ले लेगा और इसे इंटर करके फिर से एक्सेप्ट कर देना है। ये दोस्तों आपका GST अप्लीकेबल हो चुका है। हम इसी GST ऑप्शन पे ही IGST का वर्क करेंगे। अब ये IGST का ऑप्शन अलग से नहीं होता है दोस्तों, इसी GST पे हमें IGST का वर्क करना है। अब हमें एस्केप से बैक जाना है। अब मुझे कुछ लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है, देन लेजर में जाना है और फिर क्रिएट करना है। अब मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा यहां पे सेल्स का। सेल्स की लेजर दोस्तों अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड यस रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। अब दोस्तों सेट अल्टर GST डिटेल्स का ऑप्शन आएगा तो फिर से यस करेंगे, और यस करने के बाद मुझे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि IGST का मतलब एक जगह ही टैक्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला जाएगा वो सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पे स्टेट की कोई जिक्र नहीं होती है, तो मुझे इस ऑप्शन को पहले फीचर्स को ऑफ करने होंगे। इसके लिए मुझे करने हैं F12। F12 करने के बाद एक नीचे भी ऑप्शन दिखेगा शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको नो कर देना है, फिर आपको यस इंटर करके और एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप इंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स दिखेगा और केस दिखेगा। केस का मतलब होता है ठहराव चार्ज, जिसे आप पार्किंग बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स लिखेंगे, जो गुड्स का HSN कोड है वो कोड टाइप करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप IGST पे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप IGST पे काम करें तो यहाँ से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लें। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका IGST कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इंटर स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, देन इंटर करना है, और परसेंटेज वैल्यू आपको कितना चार्ज करना है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट पर 18% चार्ज लग रहा है तो दोस्तों मुझे पूरे के पूरे 18% इंटीग्रेटेड टैक्स में ही डाल देना है,
केस मुझे कुछ नहीं लेना है, यानी ठहराव चार्ज हम पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो जीरो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में मेरा गुड्स है, तो हम यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सेल्स का लेजर आपका कन्फर्म बन गया। एक बनाते हैं परचेज का लेजर, ये दोस्तों अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट में। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ से हम नीचे अगर आएंगे तो जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी डिटेल्स को फिर से यस करेंगे, और वही चीज़ सारे चीज़ डालने हैं आपको, गुड्स जो जैसन कोड है वो कोड। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, जहाँ पे भी आप खोज लीजिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। दोस्तों ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इसको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे 18% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो 18% केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। दो लेज़र बन चुके हैं, अब एक हम बनाएंगे आईजीएसटी का लेज़र। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऐट द रेट लगा करके आप लिख सकते हैं, इससे कन्फर्म रहता है कि कितना परसेंट आप टैक्स लगाए हैं। आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, इंटर करेंगे, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। टैक्स का टाइप जो है इंटर स्टेट टैक्स है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कितना लेंगे, तो 18% इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग लगाते हुए इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तीन लेज़र मेरा बन चुका है। अगर हम पार्टी नेम का लेज़र बनाते हैं जिससे हम परचेस करेंगे और जिससे सेल्स करेंगे, तो दो लेज़र और बन जाएंगे आपके। जैसे मैंने एक परचेस करने के लिए राहुल पीवीटी का बना लिया, अंडर हम इसको संडी क्रेडिटर में डालेंगे, इंटर करेंगे, तो बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम अनिल कुमार का डाल लेते हैं, जिस जो मेरा ग्राहक है, हम इसे बेचेंगे KUMAR। ये लेज़र हम संडे डेटर्स में डाल लेते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति से आप बेचिए उसका लेज़र बनाइए, तो आप उसे संडे डेटर्स में डालिए। अब दोस्तों इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो बिल बाय बिल को यस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लेज़र्स मेरी बनकर के कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे बैंक जाना है। अब जो ट्रांजेक्शन करेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट पे, वो प्रोडक्ट का एंट्री करना है। इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, सबसे पहले यूनिट चूज करेंगे और क्रिएट करेंगे। यूनिट हम यहाँ पे एक पीस का बनाते हैं, पूरा नाम PIC ही होता है, और यहाँ से PCS को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर चाहें तो यहाँ पे PCS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PC भी लिख सकते हैं, चलता है। नंबर ऑफ डेसिमल पहले जीरो रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट कर लेते हैं ग्रुप हम कंप्यूटर के नाम से, COMPU कंप्यूटर। ये दोस्तों अंडर आपका प्राइमरी में जाएगा और इसमें GST से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इंटर करके आगे बढ़ जाना है। फिर एस्केप से बैक जाना है और स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ से स्टॉक आइटम बनाना है, फिर क्रिएट करना है। अब दोस्तों स्टॉक आइटम में हम बना लेते हैं, जैसे मेरे पास एक है माउस, ये अंडर जाएगा कंप्यूटर में, यूनिट उसका PCS होता है, और इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो स्टेटरी इन्फॉर्मेशन पूछेगा जिसमें GST अप्लीकेबल करना है, डिटेल्स को फिर से यस करना है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखना है, HSN कोड जो है वो डाल लेना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखना है और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखना है। परसेंटेज 18 चार्ज करना है, केस जीरो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को चार्ज करते हुए, गुड्स को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग इसे पास कर लेंगे। उसके बाद एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब दोस्तों ये सारे काम हो चुके हैं, अब आपको एंट्री करना है, इसके लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर, इंटर प्रेस करना है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 या फिर इधर शॉर्टकट की का लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परचेज खुल जाएगा। दोस्तों अगर इस मोड में परचेज नहीं खुल रहा है तो यहाँ से आप चेंज मोड पे क्लिक करके या कंट्रोल भी करके आप अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है शॉर्टकट की कंट्रोल भी, तो यहाँ से वाउचर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डेबिट क्रेडिट अगर सपोज दिख रहा है तो आप तुरंत कंट्रोल भी प्रेस करें, आपका मोड जो है नेम ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाएगा। सप्लायर्स इन्वॉइस नंबर एक डाल लेते हैं, आज का डेट डाल लेते हैं। पार्टीज नेम पूछ रहा है तो पार्टी मैंने राहुल को बना रखा है, यहाँ से राहुल को डालते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों मैंने बोला कि यहाँ पे सेम स्टेट में सेल्स नहीं करना है, अदर स्टेट में करना है, तो थोड़ी सी मुझे अनिल के जो लेज़र है उसमें कलेक्शन करना है। फिलहाल मैं दिल्ली के पार्टी से परचेज कर रहा हूँ, तो दिल्ली में ही परचेज मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेज़र जो है वो परचेज का होगा, इंटर करेंगे और यहाँ से माउस को सेलेक्ट करते हुए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्वांटिटी अगर 100 पीस ले रहे हैं, रेट अगर 500 के रेट से ले रहे हैं, तो टोटल 50,000 आता है। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे चार्ज करेंगे IGST। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है। अब दोस्तों आपको मन है कि नहीं, मैं दिल्ली के आदमी से नहीं ले रहा हूँ, मैं UP के आदमी से खरीद रहा हूँ,
तो आइए अब करेक्शन करते हैं राहुल के लेजर में, और राहुल को अब यूपी का बनाते हैं। तो अल्ट कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे तो राहुल के लेजर के करेक्शन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से राहुल का स्टेट हम यूपी ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, इंटर कर लेते हैं और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों बात यहां ये होती है कि कंपनी जो मेरी है वो कंपनी मेरी है दिल्ली की, राइट, और मैंने जो सामान, ये कंपनी का मेरा डिटेल्स खुल रहा है, ये मेरी दिल्ली की कंपनी है। अब मुझे जो सामान का ट्रांजैक्शंस करना है वो दिल्ली में, मतलब मेरी एंट्री दिल्ली में हो रही है और हम यूपी का ट्रांजैक्शन से परचेज रिपोर्ट में बना रहे हैं, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो आप यहाँ से आसानी से ये बिल आपका 100% जेन्युइन हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, IGST अपने चार्ज किया है। और रेफरेंस में यहाँ से न्यू डालेंगे, नाम डालेंगे राहुल का, राहुल, और इंटर करने के बाद ड्यू डेट कुछ नहीं डालते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप परचेस का बिल अगर देखें तो इसमें जो है आपका दिल्ली की कंपनी और यूपी का ट्रांजैक्शंस। जैसे हम एक बार बैक चलते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहां से डेबुक में जाकर के इंटर करते हैं, अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, प्रिंट के लिए यस करते हैं और एक नाम डेस्कटॉप पे दे देते हैं, जैसे हम पी ही नाम से सेव कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नेम जो है राहुल, नेम उत्तर प्रदेश, कोड 009 यानी 09, आपका ABC कंपनी, और ये जो है आपने कोड 07 पे ये इनवॉइस आपका बना हुआ है दिल्ली का। तो ये दोस्तों ये बिल अगर आप कहीं भी लेकर के जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये परचेस का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हुआ। अब हमें सेल्स करना सीखना है, इसके लिए हमें बैंक जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेल्स खोलने के लिए एफिड प्रेस करना है, सेल्स खुलेगा, रेफरेंस नंबर यानी रसीद नंबर डालते हैं, पार्टी नेम हम अनिल को डालते हैं, या फिर अगर अलग नाम बनाना है तो अल्ट और सी बटन यहीं पे प्रेस करते हैं और एक नाम बना लेते हैं जैसे सोनू का। अब ये अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। दोस्तों कभी भी हम सामान किसी से बेचते हैं तो उसका लेजर सन्ड्री डेटर्स में डालते हैं। बिल में बिल को यस करेंगे और सोनू का डिटेल्स हम कंट्री तो इंडिया ही रखेंगे लेकिन स्टेट को चेंज कर लेते हैं। अब मैंने दिल्ली का मेरी कंपनी है, मैंने यूपी से सामान खरीदा तो हम इसे कहीं अलग पे बेचते हैं, जैसे हम मान लिया जाए इसको बिहार में बेच देते हैं, इंटर करते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से सब कुछ आपका डिटेल्स दिख रहा है, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेजर सेल्स का डाल लिए। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालते हैं, मात्र क्वांटिटी 10 पीस डालते हैं, रेट 900 लेते हैं और इंटर करने के बाद IGST को हम चार्ज कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालेंगे, ये ऑटोमेटिक टैक्स आपका कट जाएगा और ऐड भी हो जाएगा। न्यू रेफरेंस भरते हैं जिसमें हम नाम डाल लेते हैं सोनू का, क्योंकि माल जो हम सोनू से बेच रहे हैं कोई ड्यू डेट नहीं रहेगा, और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने माल सोनू को सेल्स भी कर दिया है, लेकिन अभी दो काम और बच जाते हैं कि जिससे आपने परचेस किया उसे पेमेंट करना और जिससे आपने बेचा उसे रिसिप्ट करना है, क्योंकि हम पार्टी नेम के साथ काम किए हैं। तो पहले हम पैसा रिसिप्ट कर लेते हैं, रिसिप्ट में क्लिक करते हैं, सोनू को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट यहां आपको दिख जाएगा कि कितना पैसा रिसिप्ट करना है, 10620 ये पैसा रिसिप्ट करना है, मैंने टाइप कर लिया। अब इस मेथड में आपको क्या डालना है, तो इसमें आपको अगेंस्ट रेफरेंस डालना है, फिर एंटर करना है, पेंडिंग बिल का ऑप्शन दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा दोस्तों, जब आपका सोनू के यहाँ उधार है तो ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मीन्स आप गलत करेक्शन कर रहे हैं, मतलब गलत एंट्री कर रहा है। तो आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद डेबिट में आप कैश को सेलेक्ट करते हुए, क्योंकि ये पैसा हम कैश में ले रहे हैं, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पैसा मुझे पेमेंट करनी है, तो चलिए पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट मुझे राहुल को करना है क्योंकि मैंने राहुल PBT से सामान को खरीदा है, तो यहाँ से 4590000 का अमाउंट है तो हम इसको टाइप कर लेते हैं। दोस्तों ये पेमेंट आप दो टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक टर्म में ही कर लेते हैं 5900, इंटर करेंगे, इसमें से हम मेथड में से डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आएगा और इसको इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये पैसा कैश में दे रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारे एंट्री IGST से रिलेटेड आपका टॉपिक्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एजुकेशन वाले सिस्टम्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। फिर मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।